हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी 7:30 हो रहा होगा, क्योंकि 7 बजे मैं जेनी को छोड़ने गई थी, यहाँ रोड तक छोड़ के आई, उसके बाद वो बस में चली गई स्कूल। और तो आने के बाद मैं लग गई अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में, और मन तो नहीं कर रहा था पर फिर थोड़ा सा कर ली मैं, क्योंकि करने के बाद ही मेरे को थोड़ा ठीक लगा, तब मैं कहीं जाके काम वाम कर पाई। तो आज मैं यही दिखाने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो अभी अभी छोड़ के आई, उसके बाद वो सब करी और उसके बाद अब लग गई हूँ मैं अपने कामों में। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो यहाँ पर बस ये सब ठीक कर रही हूँ, उसके बाद बिस्तर को भी ठीक, उसके बाद ना वो टेबल को ठीक करना है मेरे को। टेबल को कल मैं ठीक नहीं करी थी, कल से वो ऐसे ही रखा हुआ है, कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरा। और मैं ना यहाँ पे कपड़ा भी मशीन में लगा दी हूँ, ताकि मेरा उधर काम होते होते मेरा इधर कपड़ा भी धुलते रहे, क्योंकि और भी गंदा कपड़ा रखा हुआ है। मैं सोची थी पूरा कपड़ा डाल दूँगी मशीन में, पर ये बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो मैं अभी आधा डाली हूँ, आधा थोड़ा सा बचा है। तो ये जब धुल जाएगा ना, तो उसके बाद वो दूसरा कपड़ा फिर से मशीन में लगा दूँगी, तो फिर पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अभी यहाँ पर बदली बदली भी है ना, धूप भी नहीं है, तो कपड़ा सूखने में भी टाइम लगेगा। पर ये सब ज़रूरी ज़रूरी वाला कपड़ा है, तो मेरे को धोना ही पड़ेगा अभी। तो मैं बस इसको यहाँ पर डाल दे रही हूँ सुखने के लिए, उसके बाद क्या करती हूँ। तो अब मैं इसको ठीक कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पर पूरा जेनी ना पेपर वेपर फाड़ के रखती थी, पन्ना फाड़ के छोटा छोटा कुछ खेलने वेलने के लिए, तो वही सब पूरा बिखर जाता है सामान वामान से। इसको भी अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा धूल धूल हो गया है। सवेरे अपना फटाफट कर लो तो हो जाता है काम फटाफट। और अभी ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उसके बाद मैं जब एक्सरसाइज करी ना, तब उसके बाद मैं थोड़ा सा काम कर पाई, नहीं तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था करने का। लग रहा था कि अब बस मेरा काम खत्म हो गया और अब मैं आराम से थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि आजकल 5 बजे से उठना पड़ता है ना, तो उसके बाद ऐसा नींद आता है, तो बस बच्चे लोग चले जाते हैं तो लगता है कि बस हो गया काम खत्म, अब थोड़ा देर सो जाओ, इतना थक लग जाता है। लेकिन फिर सोची नहीं, अभी नहीं लेटती, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और मेरे को काम भी बहुत सारा था, नाश्ता वास्ता तो हो गया हमारा, और आज जेनी लेके गई है टिफिन में अंडा वाला ब्रेड, ब्रेड सैंडविच नहीं, एग सैंडविच। तो आज उसका जाने का मन भी नहीं था स्कूल, बिल्कुल मन नहीं करता बोल रही थी, अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, मेरी कोई सहेली नहीं है बोल रही थी, पर फिर चली गई मुश्किल से। इसके पापा बोले नहीं जाना है तो चली गई। अब ये देखिए मेरा रूम तो साफ़ हो गया और किचन का हालत थोड़ा ख़राब है अभी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और इसको फटाफट अपना साफ़ कर लेती हूँ। और बस वही है, 5 बजे से मेरा सबेरे का काम शुरू होता है, उसके बाद होते होते पूरा 1-2 बज जाता है। उसके बाद आज शनिवार है तो आज जेनी 1:30 बजे आ जाएगी, तो उसके बाद फिर उसको खाना दो, ये करो, और मेरा काम ना बहुत सारा बचा ही रहेगा। अभी मैं कपड़ा धो रही हूँ ना, आधा ही धुला रहेगा, तो उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। अभी तो यहाँ किचन साफ कर रही हूँ, उसके बाद यहीं का किचन का ये भी बहुत सारा काम है, और बाकी तो बस यही सब रहता है मेरा दिन भर का रूटीन। और ये ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जम गया था, तो मैं इसको ब्रश से अच्छा सा साफ कर दे रही हूँ घिस घिस के। और ये सब काम हो जाने के बाद मैं बनाऊंगी खाना, तो आज
खाना मैं बनाने वाली हूँ। मैं अंडा आलू की सब्जी और चावल, बस दाल वाल नहीं बनाऊंगी। तरी वाला सब्जी रहता है ना, तो दाल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सूखा सब्जी है तो तभी दाल बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती। और एक्सरसाइज करना भी ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखते हो ना, मैं देखी हूँ बहुत सारे लोगों को, इतना काम करते हैं दिन भर घर की महिलाएं लोग, लेकिन उनका वज़न बहुत बढ़ा रहता है। तो हमको लगता है ना कि हम लोग काम तो करते हैं, पर मैं भी यही सोचती थी, काम तो इतना करती हूँ पर वजन वजन तो वो नहीं होता है, फिट नहीं रहते ना इंसान। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। अगर फिट रहना है तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। हम लोग जितना भी काम करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता है उतना। हाँ, बैठ के पोछा वोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, तो ये सबसे थोड़ा हो जाता है, झुको उको तो, या फिर बैठ के पोछा लगाओ तो भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना एक्सरसाइज से होता है। तो एक्सरसाइज जैसे देखा जाए तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरे को खुद ना सवेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं होता, एकदम लस्त लगता है, फिर जब थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ ना तभी थोड़ा ठीक लगता है। तो ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को ऐसे अपना। अब आधा एक घंटा तो अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हैं ना, दिन भर हम लोग घर में लगे रहते हैं, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, तो अपने लिए कम से कम आधा या एक घंटा तो निकाल ही सकते हैं। और ये देखिए, अब ये चूल्हा एकदम चमक गया, और ना यहाँ पे पानी भी खुल गया था, तो मैं अब मेरा वैसे इधर का काम हो गया किचन का, तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर बिट्टू आ जाएगा तो उसको भूख लग जाएगा। तो फिर मैं अंडा और आलू यहाँ पर उबाल दे रही हूँ, यहाँ चावल का पानी चढ़ा रही हूँ। अच्छा, कल जब मैं चावल बनाई थी ना तो पानी अच्छा से गर्म नहीं हुआ था, और मैं ऐसे ही डाल दी थी चावल को पानी में, तो वो चावल ना थोड़ा गिल्ला टाइप का हो गया था। तो इसीलिए जब चावल का पानी अच्छे से उबल जाता है ना तभी मैं चावल डालती हूँ, तो उससे एकदम मस्त बनता है चावल। तो आज वही सोच रही थी, अच्छा से जब गर्म हो जाएगा ना तभी डालूँगी, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे डब्बा उब्बा रखाया था खाली वाला, तो उसको भी मैं भर के रख देती हूँ। यहाँ बिना अच्छा से उजाला नहीं आता किचन में, असल पहले आता था, आजकल पता नहीं क्या हुआ, शायद ये मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है। अंधेरा अंधेरा लगता है एकदम, भी आया थोड़ा सा, या फिर ठीक से सेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर चावल को थोड़ा धो के भिगा के रखूंगी मैं। और होटल का है ना, हम लोग होटल में कभी कभी खाना खाते हैं, देखिए चावल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खिलाता है, और हम लोग घर में खाते हैं तो बहुत सारा चावल खिलाता है, और घर का चावल ना अच्छा लगता है, क्योंकि अपन लोग धो के अच्छे से बनाते हैं। तो मैं इसको 4-5 बार कम से कम धोई हूँ, और यहाँ पर कर रही हूँ अंडा फ्राई, और इसमें बस हल्दी डाली हूँ, चिपक गया, ठंडा हो गया था तेल, और ये मसाला, और ये मेरा सब्जी बन गया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।